जानना है। रुको रुको, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त सिनुगामित और आप हो मेरे साथ मेरी और आपकी प्यारी सी यूट्यूब चैनल मिस्टर 160R ब्लॉग में। सो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि कहां की राइड होने वाली है, कौन सी जगह को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, हम यहां से निकल रहे हैं सूरत से, और आपको वहां अगर जाना है तो वहां नज़दीक में कौन सी जगह ऐसी है जो आप वहां पे घूम सकते हो, वहां पे कैसे पहुंचना है और वहां पे क्या क्या और जगह है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, और वहां मेन जाके वहां और क्या एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो, तो वो सब सारी बातें जाननी हो तो आप पहले से स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहना। तो मैं हूँ सिनुगामित और मेरे साथ है मेरा एक और दोस्त अनिल, और हम दोनों यहाँ से सूरत से निकल रहे हैं। ये रास्ता जो है वो हम अभी सूरत से मेन हाईवे पकड़ के पलसाना, और पलसाना से राइट साइड लेके हम सीधा मे बी चिखली के लिए निकलेंगे, और चिखली से आगे धर्मपुर, और धर्मपुर से हमारा डेस्टिनेशन कितना है वो करीबन 20 के अराउंड होगा, क्योंकि हम भी वहाँ पे पहली बार जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुहाने मौसम के साथ वेलकम टू द नेशनल हाईवे 48 अहमदाबाद टू मुंबई। और इस मौसम के साथ अभी बारिश का सीज़न चला ना, तो अभी ये बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा, आप ये हाईवे पे जा रहे हो तो बहुत ही बड़े खड्डे हैं, आई रिपीट खड्डे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाना क्योंकि स्टार्टिंग पे ही खड्डे मिल गए हैं। तुम ये देखो, तो अगर ये हाईवे पे हो आप तो बहुत ही ध्यान से चलाना। अभी चलो यार, चिखली में एंटर हो जाते हैं और चलिए, हमारा अजमलगढ़ का वीडियो जो देखा होगा तो ये रास्ते के बारे में बता होगा, और यहाँ का जो लोकल होगा उनको तो पता है ये मेन जो नेशनल हाईवे से और लेफ्ट साइड होके ये जो मेन रोड है धर्मपुर के लिए, रास्ता एकदम क्लियर टपाटप है, और थोड़ा विलेज साइड एरिया है तो आप स्पीड अप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी थोड़ा ध्यान से। तो अभी हम कहीं पे रुकेंगे टी नाश्ते के लिए, और दूसरी बात है ऐसा है कि बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो उसके धूल मिट्टी के साथ थोड़ा थोड़ा गंदा पानी हमारे वाइज़र पर भी लग गया और कैमरे पर भी लग गया होगा, हो सकता है आप वीडियो में ऐसा देख पाओगे। तो एक छोटी सा ब्रेक लेंगे और चाय नाश्ता हो जाए, और तो फिर आगे की जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें और जाना है 60 किलोमीटर जैसा अपने को और जाना है धर्मपुर। अभी अपने को यहाँ से राइट साइड जाना है, अंदर जाना है, कहाँ से है भाई, इसका दरवाज़ा किस साइड है, कहाँ से जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, शायद कुछ बाहर से जाने का रास्ता होता, ये तो बीच बार में फंस गए हम। एक है अगर हम वो रास्ता पकड़ते ना, तो एक मेन रास्ता वो रोड पे निकलता है, लेकिन हमने गलती कर दी, हम अंदर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। चलो यार, बारिश थोड़ी रुकी है तो निकल लेते हैं, वैसे रेनकोट वगैरह है लेकिन हमें सूट करना ही है, लोग कंप्लीट बनाएंगे इसी हिसाब से रुक गए, बाकी तो हम रेनकोट पहन के अभी तक तो निकल गए होते, लेकिन प्रॉपर ब्लॉग बनाना ही है हमें। हाँ तो इसलिए रुके, अभी देखो ना ये अभी तो लगता है गलती हो गई यार, ये रास्ता लेना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, ये मेन सेंट्रल हो जाता है ना, यहाँ से आप बहुत सारी जगह पे जाते हैं, उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो निकलते हैं। बारिश रुकी है तो जितना हो सके, जितना बन सके उतना कवर करते ही हैं। भाई रास्ता रास्ता पूरी बैंड बजा के रख दिए। चलो यहाँ से आई थिंक अभी गुजरात, अच्छा है भाई
मुझे लगा क्या है, शायद यूनियन टेरिटरी का एरिया तो नहीं चालू हो गया। ओ भाई नज़र आ, लेफ्ट साइड राइट साइड मस्त है, बस रोड पे ही अच्छा नहीं है। पार रिवर, चलो यहाँ से भी जा सकते हैं, मे भी हो सके हम यहाँ से ही निकल जाएंगे। अन्य किधर गया? आ गया। चलो कैसा ही रोड है, बाप रे रोड की तो पत्थर ठोकी हुई है। और ये लोग साले स्टेट हाईवे बोलते हैं, स्टेट हाईवे लगता है। कौन से एंगल से स्टेट हाईवे है? अभी हम यहाँ का विलेज है जोगवेल विलेज है वहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारा डेस्टिनेशन बता रहा है 6.8 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर जैसा है। और जैसे कि बता रहा हूँ, हम कपराड़ा धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट आई थिंक। तो यहाँ पर क्या हर 2 मिनट में बारिश आ रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो हम रुक नहीं रहे, 5-6 किलोमीटर अभी इतना बाकी है, इतना कवर ही कर देते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा दूर है नहीं। चलो अभी हम कहाँ पे है वो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन डेस्टिनेशन यहाँ से बता रहा है 3 या 4 किलोमीटर अराउंड। बहुत ही बारिश हो रही थी और कैमरा, ये वाला जो कैमरा है वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे। बारिश अभी थोड़ी थोड़ी चालू हो गई थी, पीछे देखो बाइक यहाँ पे लगा के रखी थी, और हमारे पीछे भी ये है, यहाँ पे हम रुके थे करीबन हो गया आधा घंटा जैसा हो गया, फिर रुके हैं। अभी यहाँ से फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमें सारी लेनी थी वो ले लिया। वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन कैसा है, ताकि हमें वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, लाइक हमें बड़ा मैगी वैगी बना के खाएंगे, थोड़ा बैठेंगे रुकेंगे, लेकिन लोकेशन कैसा है वो वहाँ जाके ही पता चला। स्टिल अभी निकलते हैं, 2-3 किलोमीटर बाकी है, तो स्टे ट्यून। चलो ये रहा मैप, लोकेशन लगा दिया है, और ये रहा रास्ता 2.8 माने 3 किलोमीटर, और मेन रोड से होके चल के भी जाना है। अभी भी स्टिल बारिश चालू ही है, कोई बात नहीं, एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद देखते हैं। वैसे रेनकोट है हमारे पास, बट फिर भी हमें क्या प्रॉपर वहाँ तक पहुँचे वो शूट करना ही है, तो इसी वजह से रुक गए थे कि बारिश कम हो जाए, लेकिन ये तो कम होने का नाम नहीं ले रही, तो चालू ही रखते हैं। तो अभी हम वाटरफॉल पे पहुँचने वाला हैं, यहाँ से मुझे दिख गया वाटरफॉल, ये रहा, यहाँ से जाने का रोड जैसा बता रहा है, तो देख सकते हो वो वहाँ पे है। यहाँ से कुछ जाने का रास्ता वास्ता वगैरह कुछ है कि वो देखना पड़ेगा। नहीं, हम वहाँ से नहीं जा सकते, अभी यहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा, इससे बजाय गाड़ी नीचे इधर ही पार्किंग पे लगा देते हैं। नहीं चलो चलिए, ये मेन रास्ता है और हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग है,
कर दिए। वाटरफॉल वो रहा वहाँ पे है, यहाँ से हमें ट्रैकिंग करके जाना है। वहाँ पे कैसा है वो तो जाते जाते पता चलेगा। यहाँ से छोटा सा झरना है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ से वहाँ आने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। मेन रास्ता वो रहा वाटरफॉल, और अभी हम चलते हैं ट्रैकिंग करते करते। और इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसे आउटसाइड पे निकलोगे ना तो बहुत सारे थे छोटे छोटे आपको झरने वगैरह मिलेंगे। मैं भी यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ेगा। तो ये रहा, देखो यार बहुत खतरनाक झरना है वो देख लो। और यहाँ से भी सब पानी पानी भरा है। चलना है हमें, ये वादियाँ। फ्रंट कैमरे में तो पूरा पानी पानी भरा है, पूरा कैसे क्या ब्लर ब्लर आ रहा है क्योंकि बारिश अभी चालू ही है। बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। और फाइनली इतनी दिक्कतों के बाद इसकी बहन के मजे मजे। भाई इतना जोरदार वाटरफॉल, इतना जोरदार वाटरफॉल क्या है यार, देखो यार गाइस क्या बोलू। यार लोकेशन बेहतरीन है, चाय भी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो देखो यार पीछे सामान पड़ा है, वैसे सामान को ढक के रख दिया है, बट एक चीज यह है कि बारिश रुक जाए ना तो यहाँ पे मैगी बनाएंगे खाएंगे, फोटो वगैरह लेना है। बट क्या बारिश चालू है, मतलब चालू है, एक मिनट तक के लिए रुक नहीं रही है। बाकी तो भाई हम अनिल के साथ दो ही बंदे हैं, बाकी तो भाई सीन मतलब एक नंबर। हाँ तो यार लोकेशन और मैगी बना रहे हैं, पता नहीं कैसी बन रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे ना। अन्य को आती है ना मुझे आती है, मुझे लगा उसे आती है, उसे लगा मुझे, तो ट्राइपॉड पे लग दिया। बारिश का भरोसा नहीं, आती जाती रहती है। बस अभी ये खाते हैं, क्या पता कैसी लगेगी वो तो घंटा कुछ पता नहीं, बस खाते हैं और बैठेंगे। यार लोकेशन एक नंबर है, बाकी बारिश आ जा रही ना वो एक दिक्कत है। चलो को देखते हैं, बारिश चालू है फिर भी मजा ले रहे हैं, तो फुल मजा ले रहे हैं। देखो पत्ते लेके आए, मैगी बनाई, पत्तों पे मैगी ले रहे हैं, ऐसे ही खाएंगे। और ये थोड़ा सा नाश्ता हो रहा है, ककड़ी।
चलियो यार प्लेस को बाय बाय करते हैं। जगह अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। आज हम मतलब वीकेंड में आते हो तो पब्लिक यहाँ पे रहती है, बाकी वीकेंड के अलावा देखो हम आज दो ही बंदे थे। और ये क्या है, थोड़ा अभी सुनसान है, देखो एकदम बहुत प्यारा सा दो दे, लेकिन अभी फ़िलहाल सुनसान है। कहाँ आना है, कैसा आना है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। धर्मपुरा हो या शॉर्टकट ये रास्ते से आ सकते हो, ऐसा नहीं कि हाईवे थ्रू आते हो तो ठीक है, बाकी हम धर्मपुर से होके होते आए। वीकेंड्स में यहाँ जो बंदे को पूछा था ना, तो उसने बताया था कि वीकेंड्स में काफ़ी पब्लिक यहाँ पे होती है, अभी फ़िलहाल है नहीं। तो यहाँ पे आने के लिए ये एक दो दो रास्ते हैं, बस वीकेंड में आते हो तो पब्लिक मिलेगी, वरना यहाँ पे एकदम वीरान सी जगह में है, रोड के नज़दीक ही है तो बहुत अच्छी जगह है। नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको वैसे लेके आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे पत्थरों पे चलोगे तो फिसलन बहुत है, तो वो खास ध्यान रखने का। बस ये ब्लॉग में इतना ही करता हूँ, ये अननोन अनजान बारी बारी जाके देख चुके हो, नज़दीक में कोई भी वाटरफॉल और कुछ नया देखने का मन है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आ सकते हो। और बस ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग कैसा लगा, जो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कैसा लगा आपको वो बुरा हो अच्छा हो कैसा भी हो वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना। बस मैं नए ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक भाई को दीजिए सलाम दुआ, याद रखना जय हिंद जय भारत जय आदिवासी।